हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, क्रिसेंथिमम सर्दियों में फूल देने वाला एक बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट है और इसे विंटर में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है क्योंकि इस टाइम पर इसका ग्रोइंग सीजन होता है। वैसे तो ये एक परमानेंट प्लांट है जो कि समर में भी हमारे साथ रहता है। तो आप इस प्लांट पर ढेर सारे फूल किस तरीके से पा सकते हो या फिर फूल खिलने के बाद ज़्यादा दिन तक फ्रेश आप कैसे दिखा सकते हो, कौन सी आपको इसमें खाद डालनी है, सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगी। इसलिए वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिए और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ। सो क्रिसेंथिमम प्लांट जो है ये अक्टूबर से स्टार्ट होकर मार्च तक बहुत ही हैवी फ्लावरिंग करता है प्लांट। अक्टूबर में हमें इसकी खास केयर करनी होती है, जैसे कि पिंचिंग करना, इसकी कटिंग्स लगाना और इसमें कोई खाद डालना। उसके बाद इस पर फिर कलियां बनती हैं और कलियां आने के बाद भी हम इसको एक बार प्रून कर देते हैं। उससे क्या होता है, हमारा प्लांट घना होता चला जाता है क्योंकि हम प्लांट को जितना ज़्यादा कटिंग करते हैं उतने ही ज़्यादा उसमें से स्टेम्स निकलते हैं और स्टेम निकलने के बाद उसमें से इतनी ही कलियाँ बनेंगी और प्लांट हमारा बहुत ज़्यादा बूसी हो जाता है, घना हो जाता है, जिससे जिस पॉट में आपका प्लांट लगा हुआ होगा उसमें ऐसा लगता है जैसे कोई गुलदस्ता रखा होता है, क्योंकि एक साथ में ही फिर हमारे प्लांट पर ढेर सारे फूल बनते हैं। सो बात करें विंटर में इसको आपको रखना कैसी जगह पर होता है, तो आप इसको पूरा दिन की धूप में अच्छे से अपने टेरिस गार्डन के लिए, क्यारियों के लिए, कहीं पर भी आप इसको ऐड कर सकते हो डेकोरेट के लिए, क्योंकि अगर आपके पास पूरा दिन की धूप नहीं है तो ये प्लांट 2 घंटे की धूप में भी अच्छे से ग्रो कर जाता है और फ्लावरिंग आपको अच्छे से दे देता है। फर्क कितना होता है, अगर आप इसको छाया में रखोगे तो इस पर पत्तियाँ ज़्यादा आएंगी, फूल कम आएंगे, इसलिए आप इसको पूरा दिन की धूप में रखिए तभी आपके प्लांट पर अच्छे से फ्लावरिंग आएगी। अभी बात करें मिट्टी की, तो आपको इसके लिए मिट्टी कैसी लेनी होगी, तो वेल ड्रेन मिट्टी रखिए। वैसे ही कैसी भी मिट्टी में चल जाता है, ज़्यादा इशू नहीं होता है, लेकिन खास केयर के लिए, अच्छे से ग्रोथ पाने के लिए आप इसमें वेल ड्रेन मिट्टी रखिए। 1 पार्ट मिट्टी ले सकते हो, 1 पार्ट आपको सैंड लेनी है और उसमें 1 पार्ट आपको गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट, इस तरीके से अच्छी मिट्टी तैयार करके आप इस प्लांट को लगा दीजिए। मिनिमम 8 से 9 इंच के पॉट में ये अच्छे से ग्रो कर जाता है। अगर बड़े पॉट में लगा रहे हो तो आप एक ही पॉट में इसकी 3 से 4 कटिंग लगा सकते हो, जिससे आपके पॉट में एक ही पॉट में कई तरह के फूल खिलेंगे, रंग बिरंगे, और वो देखने में भी काफ़ी सुंदर लगता है। अगर आपको इसकी कटिंग लगानी है तो वैसे तो आप अभी भी इसकी कटिंग लगा सकते हो, लेकिन इसकी कटिंग लगाने का बेस्ट मौसम होता है अक्टूबर में, या फिर अगस्त में, जब जिस टाइम पर बरसात का सीजन होता है। कटिंग इसकी आपको ऊपर के टॉप से लेनी है और नॉर्मल मिट्टी में लगाकर छाया वाली जगह पर रख देना है। इससे आपकी कटिंग बहुत ही ईजी और जल्दी तैयार होती हैं। तो अगर आपके प्लांट पर अभी ढेर सारे फूल आए हुए हैं, उन्हें आप ज़्यादा दिन तक फ्रेश कैसे दिखा सकते हो, इससे आपको एक काम करना होगा। जैसे ही हमारा प्लांट ये पूरा दिन की धूप में रखने का होता है, लेकिन अभी हमारे प्लांट पर फूल खिल चुके हैं, तो अब हमें इसे ऐसी जगह पर प्लेस कर देना है जहाँ पर इसे सुबह की 1 घंटे की धूप मिले, पूरा दिन की धूप ना मिले। क्योंकि अगर अभी हमारा प्लांट पूरा दिन की धूप में रखा रहेगा तो इसके फूल बहुत ही जल्दी से फेड हो जाएंगे, कलर फेड हो जाएगा और जल्दी ही आपका प्लांट पुराना सा लगने लगता है। इसके फूल एक बार खिलने के बाद करीब 1 से 2 मंथ तक ऐसे के ऐसे ही आपको फ्रेश दिखाई देते हैं, खिले हुए दिखाई देते हैं। इस प्लांट के आपको कलर कॉम्बिनेशन बहुत सारे नर्सरी में मिल जाते हैं, आप अपने घर पर भी इसे बहुत ईजी तैयार कर सकते हो, इसके बीजों से भी और कटिंग से भी। ये प्लांट जो है परमानेंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि गर्मी में भी इसमें सिर्फ फूल आने बंद होते हैं गर्मी में, लेकिन इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी रहती है, हरे भरे इसके पत्ते रहते हैं बरसात के मौसम में। सिर्फ जैसे ही मार्च में आपको क्या करना है, फूल आने के बाद इसको कटिंग करके रख देना है, उसके बाद ये खुद, जैसे ही बरसात का मौसम आएगा, ये खुद से ही अपनी ग्रोथ पर आ जाएगा और बिल्कुल हरा भरा आपका प्लांट होने लग जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको कौन सी खाद इसमें डालनी है,
तो मैं फूल खिलने के बाद अपने प्लांट में सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ सरसों खली। सरसों खली को मैं एक दिन के लिए पानी में भिगाकर रख देती हूँ और अच्छा सा लिक्विड फर्टिलाइज़र हमारा बनकर तैयार हो जाता है। इसी में हम 1 स्पून फंजीसाइड पाउडर भी डाल सकते हैं ताकि प्लांट की जड़ों में कोई फंगस ना लगे, प्लांट हमारा ना ख़राब हो। और इसे आपको बहुत गाढ़ा नहीं रखना होता है, बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में आप इसको अपने प्लांट में डाल सकते हो। मैंने देखिए इतना टाइट रखा था तभी इसमें अभी और पानी डाल के तब अपनी प्लांट की जड़ों में मैं इसको डाल दूंगी। अगर आपके पास फंजीसाइड पाउडर नहीं है तो आप हल्दी का भी यूज़ कर सकते हो। हल्दी भी हमारे प्लांट के लिए काफ़ी अच्छी फ़ायदेमंद होती है, ख़राब नहीं होने देती है प्लांट को। तो जिस टाइम पर प्लांट में फूल आते रहते हैं उस टाइम उसको फूड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि प्लांट अपनी एनर्जी फूल बढ़ाने में लगाता है। तो इस टाइम पर हमें इसमें सरसों खली डालनी है, सरसों खली। और अगर आपके पास सरसों खली नहीं है तो आप सीविड फर्टिलाइज़र लीजिए, सीविड फर्टिलाइज़र भी बहुत अच्छा होता है, बहुत केमिकल नहीं होता है और बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होता है। उससे आपके प्लांट ख़राब नहीं होंगे और फूल भी बहुत ज़्यादा खिलते हैं, उसमें बहुत ही अच्छी माइक्रो न्यूट्रिएंट की मात्रा होती है। तो आप सरसों खली की जगह सीविड फर्टिलाइज़र भी ले सकते हो या फिर NPK DAP ये वाले खाद का भी आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन अभी आपको इसमें सूखी खाद नहीं डालनी है, अभी आपको इसमें लिक्विड खाद डालनी है। सूखी खाद जो हम डालते हैं वो धीरे धीरे अपना वर्क करती है, लेकिन प्लांट में जब हम लिक्विड खाद बनाकर डालते हैं वो तुरंत प्लांट की जड़ों में जाता है और अपना वर्क करता है। जैसे पानी हम डेली अपने प्लांट में डालते हैं और वो तुरंत प्लांट की जड़ों को नमी देता है, इसी तरीके से जब प्लांट को प्यास लगी होती है तो वो फर्टिलाइज़र को भी अपने अंदर सोख लेता है। तो इस टाइम पर आपको सभी प्लांट में विंटर के लिक्विड खाद डालनी है बजाय सूखी खाद की। सूखी खाद हम तब मिट्टी तैयार करते हैं तब भी डाल देते हैं, और उसके अलावा जैसे ही हम कटिंग वगैरह लगाते हैं या फिर जब प्लांट पर कलियां बनी होती हैं, ग्रोथ छोटी रहती है, तो उस टाइम पर भी सूखी खाद हम अपने प्लांट में डाल देते हैं। तो इस तरीके से आप ये वाली खाद अपने प्लांट में 15 दिन में एक बार ज़रूर डालिए, बिल्कुल आपका प्लांट ख़राब नहीं होगा। अगर आपको लग रहा है कि प्लांट के ऊपर कोई मिलीबग लगे हैं, पेस्ट वगैरह एफिड्स वगैरह जो लग जाते हैं प्लांट के ऊपर, ब्लैक कलर का चिपचिपे कीड़े लग जाते हैं, अगर आपके प्लांट पर लगे हैं तो आप उसके लिए नीम ऑयल को गुनगुने पानी में तैयार करके वीक में एक बार प्लांट के ऊपर स्प्रे कर सकते हो। उससे आपके प्लांट पर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, बिल्कुल हेल्थी रहेगा और फ्लावर भी बहुत ज़्यादा आपका प्लांट देगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। तो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।